सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाथ जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाथ जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी उठाना है, सब रुकावटें का सामना करना है, आखिर में कामयाब होना। इस रास्ते में हम क्या देखते हैं? हम सब सुलाम है, हमारे हाथ में हाथ है क्या? हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यार, तकलीफें, दीपते मौत। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा होगा। कोई बात नहीं है, हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदू समाज होगा। जय हिंद दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने भारत छोड़ो आंदोलन की बात की थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीयों को एकजुट किया। अब वक्त आ गया है उस शख्स की कहानी सुनने का जिसने अपनी एक आवाज से पूरे देश में क्रांति की लहर पैदा कर दी, सुभाष चंद्र बोस। आज हम जानेंगे उस सेना के बारे में जिसने दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया, आजाद हिंद फौज। यह एक ऐसी कहानी है जो न केवल हमारे दिलों को छूती है बल्कि हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को और प्रबल कर देती है। तेईस जनवरी 1857 को कटक ओडिशा में जन्मे सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही एक विलक्षण बुद्धिमान व्यक्ति थे। इन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की और भारतीय सिविल सेना यानी ICS की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, लेकिन भारत माता की सेवा में उन्होंने इस प्रतिष्ठित नौकरी को ठुकरा दिया। बोस का मानना था कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने गए। 1938 में वे कांग्रेस का अध्यक्ष बने लेकिन 1939 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता की राह पर एक नया अध्याय लिखा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और जापान से समर्थन प्राप्त कर आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उन्होंने भारतीय सैनिकों को एकत्रित किया जो ब्रिटिश सेना से भाग गए थे, उन्हें मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा हर भारतीय के दिल में गूंज उठा और आजादी की लड़ाई को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। 1944 में आजाद हिंद फौज ने दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया और इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई में अंग्रेजों से लोहा लिया। हालांकि यह लड़ाई भारी संघर्ष के बावजूद सफल नहीं हो सकी, लेकिन इनसे ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिल गई। यह भारतीयों के अदम्य साहस का प्रतीक था। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की खबर आई, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर आज भी कई सवाल और से बने हुए हैं। कुछ कहते हैं कि बोस जीवित थे, उन्होंने अपनी पहचान छिपा ली थी। यह रहस्य आज भी भारतीय इतिहास का एक अनसुलझा अध्याय है। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर 1945-46 में ब्रिटिश सरकार ने मुकदमे चलाए, लेकिन पूरे देश में इन सैनिकों के समर्थन में जन आंदोलन खड़ा हो गया। इस समर्थन ने अंग्रेजों को स्पष्ट संकेत दे दिया था कि अब भारत पर राज करना असंभव है। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की भूमिका ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक मुकम्मल आजादी हासिल न हो। विभिन्न दिशाओं में इतनी भारी ताकत जितना ही हम केंद्रित कर सकेंगे उतना ही जल्द हम आज़ादी हासिल कर सकेंगे। हमारे सामने इस वक्त सबसे बड़ी समस्या संघ शासन विधान को हमेशा के लिए दफना देने की है। तभी हम अपने मन के मुताबिक अपना शासन विधान तैयार कर सकेंगे।
वर्तमान शासन विधान को हमारी मर्जी के खिलाफ साम्राज्यवाद को मजबूत कर हमारी गुलामी की जंजीरों को और मजबूत करने के लिए बनाया गया है, इसे आप हरगिज स्वीकार न करें। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बचे। असंगठित और कमजोर रहना पाप है, गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए, जिससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे। कभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए मंजिल देखेगा। सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज ने हमें सिखाया कि आजादी के लिए केवल हिम्मत और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। इन वीरों का बलिदान हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के विभाजन और आजादी के उस ऐतिहासिक पल की जिसने एक नया युग शुरू किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद।